अरे भाई कर ना, तेरा उधर कैमरा इधर किधर प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई अभी सीखा मत पीछे 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 पांडे जी पांडे जी पांडे जी, ये सब क्या कर रहे हैं? बाइट करना अरविंद अरविंद नीचे लो नीचे लो रोल 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 नीचे करो भाई। मैं क्या कहने चाहेंगे, आपने साड़ियाँ देखी किस तरह की लगी? मस्त करें पहले तो मुझे लगता है कि श्रद्धा जी बारे अपने बारे में बताएं और ये क्या कर रही है, उसके बाद मैं बताती हूँ। हेलो, इसका नाम आपने मस्सकली क्यों रखा? मस्सकली रखा क्योंकि मस्सकली इज अ फ्लाइंग बर्ड विच रिप्रेजेंट्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो आई वांट टू एंड फ्रीडम ऑफ कोर्स, और औरतों के लिए आज़ादी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एंड यू नो टू सपोर्ट आवर हैंडलूम वीवर्स हमने ये कैंपेन चालू किया है। वहाँ पे वी गिव देम वर्क सो दैट वी मेक श्योर दैट द वर्क इज़ कंटिन्यूसली इन प्रोसेस फॉर देयर ओन सर्वाइवल। स्पेशली वी आर प्रमोटिंग लेडी वीवर्स। अभी आज आप अंदर आएंगे तो देखेंगे हमारी लेडी वीवर्स पैठनी का वीविंग प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, सो दैट यू नो पब्लिक लाइक अस विल कम टू नो हाउ इंट्रिकेट इट इज़ and how hard working they are. So to promote them I'm here, and I'm so glad Shabana ji is here to help them, to promote them and to encourage them. I'm so happy over here. Thank you. पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं। दरअसल हैंडलूम से मेरा लगाव बचपन से ही है, क्योंकि मेरी मामी शौकत कैफी हैंडलूम को बहुत पसंद करती थी और उसके लिए बहुत इज्जत मेरे दिल में पैदा की है। बहुत साल पहले मैंने श्याम बेनेगल की एक फ़िल्म की थी सुषमन, जिसमें ओमपुरी वीवर बने थे और मैं उनकी बीवी। और उस ज़माने में ये देखा जाता था कि जो औरतें हैं वो सिर्फ जो छोटा काम है वो करती थी, एक्चुअल वीविंग औरतें नहीं करती थी। तो जो डाई करना है या स्पिंडल्स बनाना है, ये जो साइड काम जिसको कहते हैं, वो औरतें करती थी। और तब से मैं कह रही थी कि क्यों सिर्फ मर्द ही क्यों वीविंग करते हैं, औरतें क्यों नहीं कर सकती। और आज मैंने ये देखा कि ये औरतें कर रही हैं, तो मुझे ज़्यादातर इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हिंदुस्तान की ताकत की बात करते हैं तो जो ताकत हमारे में सचमुच बहुत कूट कूट के है वो है हमारा जो हाथ का जो काम है। और हैंडलूम आप देखें तो बस ये हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सभ्यता और हमारी कल्चर हमारी ट्रेडिशन का एक इतना बड़ा हिस्सा है, और इसकी वजह से इतने सारे बुनकर हैं जिनको काम मिलता है, कि हम जो भी उनको सपोर्ट कर सकें वो हमको करना चाहिए। आप सारे काफ़ी बारीकी ढंग से देख रही थी अभी जो हमने देखा, अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो कौन सी साड़ी होगी और पसंदीदा साड़ी अगर आप? देखिए मैं कोशिश ये करूँगी कि ट्रेडिशनल साड़ी ही हो, मुझे ट्रेडिशनल साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ओकेजन पर मतलब अगर गणेश चतुर्थी है तो फिर मैं उनको कोई पैठनी दूंगी, अगर कोई शादी का मौका है तो शायद बनारसी दूंगी, अगर मेरा बस चले तो मैं सिर्फ कॉटन ही पहनूँ, मुझे कॉटन बहुत पसंद है। और मैंने ये देखा था कि आपने बहुत, क्योंकि मसलिन इस्तेमाल किया तो बहुत बारीक कॉटन वो है जो बहुत अच्छा है। मैम सो आप बताइए हमें कि आपकी कौन सी फेवरेट टाइप की साड़ी है, बनारसी या कोई? मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जो है वो है कांजीवरम, और कांजीवरम जो पुरानी कांजीवरम होती थी जो कि जिसमें जरी नहीं था मगर उसका बहुत अच्छा उसका कपड़ा था और जो आप घर पे धो सकते थे। लोगों को ये पता नहीं है कि कांजीवरम एक्चुअली घर पे धो सकते हैं किसी सॉफ्ट शैम्पू में। आजकल जिस बात की मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये जो मिलावट आ गई है और ये मिलावट में हम जो उसका जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल सॉफ्टनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसका जो बेसिक कोर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें उल्टी होती हैं, जैसे कि हर जगह दुनिया में अगर कोई हाथ की बनी हुई चीज़ है तो उसकी बहुत अहमियत होती है। तो होना तो ये चाहिए कि जो हैंडलूम है वो अमीर लोग पहने, और जो पॉलिएस्टर है और जो रेयन है और जो विस्कोस है वो गरीब लोग
पहने क्योंकि अफोर्डिंग उसकी बात है. लेकिन बहुत दिन तक ये माना गया था कि हैंडलूम जो है, अच्छा हैंडलूम और खद्दर ये तो है गरीबों की बात है. तो इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी चेंज होगा जबकि हम अपने फेस्टिव ओकेजन्स पर भी हैंडलूम पहना करें. श्रद्धा मैम, आप गाँव में छोटे छोटे गाँव में जाके औरतों को इंकरेज करते हैं, वहाँ पर उन्हें नॉलेज देते हैं, कितनी तकलीफें होती है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? यस, उनको पहले तो वो ओपन नहीं होती है क्योंकि दे आर वेरी स्केप्टिकल, यू नो, कि कौन आए हैं, क्या आए हैं. फिर उनको कन्विंस करके, उनको ये करके कि हम आपको इनक्रेज करने के लिए आए हैं या आपको प्रमोट करने के लिए आए हैं, एंड उनको ढूंढते जाना, बिकॉज यू नो इट्स नॉट कि उनका एड्रेस एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. सो वी मेक श्योर कि वहाँ पर जाके उनको कॉन्फिडेंस दे कि हम आपकी भलाई के लिए काम करें, एंड आप सामने आके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे साथ काम करें और बाकी औरतों को भी इनक्रेज करें. मैम, क्या इंस्पायर करता है आपको ये सब करने के लिए, थोड़ा सा बताइए हमारे, क्योंकि काफ़ी महिलाएं आपसे भी इंस्पायर होती है उस चीज़ के लिए. जी, ये बहुत ही इंट्रिकेट, मतलब अगर आप देखेंगे बुनाई की जो प्रोसेस है बहुत ही इंट्रिकेट है, इतना फोकस लगता है उस चीज़ के लिए. और मे बी आपके इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को भी आज बिठा दें और समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है. सो यू नो दीज लेडी वीवर्स और आर मेल वीवर्स, दे आर ट्रेमेंडसली टैलेंटेड, और उन्होंने जो अडॉप्ट किया है ये यू नो प्रोसेस, इट्स सो ओवरवेलमिंग टू सी कि किस तरह से वो बुना जाता है. सो वो देख के मुझे लग रहा था कि मोर पीपल शुड नो अबाउट इट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए और वो वैल्यू होनी चाहिए कि ये हैंड वोवन है, मतलब इसकी कितनी वैल्यू है, ये लोग बैठ के कितनी मेहनत से इस चीज़ को बना रहे हैं. इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम महिलाओं को इस तरह से एकजुट कर और उनको काम देते हैं, तो जो हमारे समाज में औरतों का जो दर्जा, वो हमेशा ये माना जाता है कि औरतें कमतर हैं क्योंकि वो अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो अपना खुद पैसा कमाने लगती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं. मैं मिजवा, एक छोटा सा गांव है आज़मगढ़ यूपी, जहां हम लोग चिकनकारी का काम करते हैं. इनफैक्ट मैंने अभी उनका ही ब्लाउज़ पहना हुआ है जो मनीष मल्होत्रा फिर उसको डिज़ाइन देकर उसको बनाते हैं. तो वहाँ मैंने ये देखा है कि जिन औरतों को ये समझा जाता था कि ये समाज में बोझ हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, ये समझा जाता था कि ये पराया धन है, ये चली जाएंगी, हमारे बेटे हैं जो हमारी देखभाल करेंगे, वो बिल्कुल उसमें शिफ्ट आ जाता है. क्योंकि ये जब काम करती तो एक तो पैसा इनको खुद मिलता है, और फिर हम लोग बहुत कोशिश ये करते हैं कि ये पैसा किस तरह से उसका इस्तेमाल करें वो खुद ही तय करें. फिर वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग उनके कपड़े पहन रहे हैं, तो उनका जो है आत्मविश्वास वो बढ़ता है. तो हर तरह से इसका जो है समाज में एक उठान होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमको औरतों और मर्दों को एक स्तर पर लाना है. मैम, इसके अलावा स्पेशल घुमा भी आ रही है आपकी. स्वरा भास्कर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं शबाना मैम के 25% भी कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत उसकी स्वीट बात है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ. मैं समझती हूँ कि हमारी आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें बेहद टैलेंट है, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियों जिनका काम मुझे बहुत पसंद है. स्वरा भी उसी में से एक है. थैंक यू मैम. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि श्रद्धा जी ने, श्रद्धा की जो वीवर्स को यहाँ पर लेके आए, इससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि ये साड़ी का ट्रेडिशन या ये साड़ी की जो कला है वो कैसे बनी जाती है. बिकॉज इट्स सो ईजी टू लुक एट अ साड़ी एंड से इट्स ब्यूटिफुल, पर जो मेहनत इसके पीछे है दैट इज़ द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ द साड़ी. तब जब वो वैल्यू आप जानते हो, पहचानते हो, और फिर वो कारीगर का ये जो कारीगरी है वो आप पहनते हो, तो उसका मज़ा कुछ और होता है. बिकॉज यू नो दैट यू वॉन्ट ओनली द बेस्ट एंड यू नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज़ गॉन बिहाइंड दिस. आई रियली अप्रिशिएट श्रद्धा जी फॉर टेकिंग दिस ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉरवर्ड. उनको इनक्रेज करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. और जैसे ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर ये चीज़ डाली, तब वाकई मुझे बहुत अचरज हुआ कि इतने सारे लोग उन्होंने कांटेक्ट किया और कहने लगे कि जी हाँ, हमको एक्चुअल पैटनी साड़ी ख़रीदनी है और हम डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे. सो आई थिंक दिस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस. मैम, आल्सो श्रद्धा मैम ने वुमेंस को भी इसमें इंक्लूड किया है. जैसे मैम ने बताया कि पहले मतलब जो मेंस है वही हैंडक्राफ्ट बनाते थे, तो जी अभी तो उन्होंने कहा कि
एक फैमिली है और करीबन 25 औरतें आपके साथ काम करती है जो अलग अलग डिज़ाइन मतलब जैसे आपने ये हैंडलूम यहाँ पे देखा और जो दो औरतें यहाँ पर आई हैं वैसे और भी लोग हैं जो घर में बैठ के अपना घर का कामकाज संभालने के बाद इस पर करीबन 6 घंटा काम करती हैं और बेयरली 1-1 इंच साड़ी के बनते हैं जहाँ 6 महीने लगते हैं एक अच्छी साड़ी बनने के लिए। तो वाकई हमें सब इस टाइप का आर्ट सपोर्ट करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब यही नहीं कि भाई सिर्फ आर्ट है बट इट्स समथिंग दैट्स वेरेबल जो जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक दिया जा सकता है और जो कारीगरी है जो थ्रेड वर्क है वो ऐसा है जो ख़राब नहीं होता काला नहीं पड़ता। तो डाउन द एजेस मेरी जो पहली साड़ी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और मैं ये चाहूँगी कि मेरी डॉटर पहने उसकी डॉटर पहने। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ हेयरलूम थिंग दैट शुड बी देयर इन एवरी वुमेंस वॉर्डरोब। ओके जी एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पैटनी किसी को गिफ्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी को पैटनी गिफ्ट करते हैं तो वाकई वो गिफ्ट ऐसा है जो सिर्फ प्यार का गिफ्ट नहीं लेकिन बहुत सारी मेहनत बहुत सारी कला और बहुत सारी श्रद्धा का गिफ्ट होता है। भाग्यश्री जी आके यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हमें मदद किया और उन्हें इनक्रेज करने के लिए यहाँ पे आई है। जो लेडी वीवर्स है जो गांव में बैठ के जो मेहनत करके इतना इंट्रिकेट वर्क और हैंड हार्ड वर्क करके जो एक साड़ी बुनती है जब उनको यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है दे आर सो ओवरवेलम्ड इंडीड इट्स काइंड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर देम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट you know she has come all the way here to support them and our intention is to support more and more lady weavers unko encourage kare taki next generation should also pick up the same profession you know actually jaise pradesh mein jaake ya bahut sare abhi functions mein sab log gown pehante hain lekin hum ye bolte hain ki jab hum us jate hain ya london jate hain वहाँ पे जो इंट्रिकेट हैंडवर्क होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है या क्वालिटी या इफ़ेक्ट होता है वो कई मतलब प्राइसलेस होता है इतना एक्सपेंसिव होता है। और ये सारी कलाएं हमारे देश में हैं हम उन्हें बस एनकरेज नहीं करते हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। तो अगर किसी को वहाँ पे ये बताया जाए कि एक एक धागा ऐसे बुना जाता है वन वीव वन साड़ी टिक्स close to 5-7 months to be made agar wo cheez us hisab se unhe kaha jaye to I think this will be another industry to take forward all over the world. meri favorite saariyon mein se main bahut sari banarasi saari pehnti hu patni pehnti hu these are two of my absolute favorites aur haal hi mein I was shooting in calcutta to maine wahan se bhi saari li generally मैं जहाँ कहीं जाती हूँ वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी लेके आती हूँ सो माई कबर्ड इज़ फुल ऑफ अ कम्प्लीट वेराइटी ऑल ओवर इंडिया देयर हैंडलूम। यस दिस अ लवली गोल्ड टिश्यू बनारसी दैट आई एम वेयरिंग एंड समथिंग दैट आई प्रॉब्ली इवन वेयर टू अ वेडिंग। सो ओवरऑल द मसकली कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बाय दिस श्रद्धा I see the lady who has passion about this industry and especially for the viewers. So this is basically the thought process which is taking ये जो जाती हुई कला है जो नष्ट हो रही है कला को वो कला को आगे लाने का काम इनके जैसे अगर कोई thought process वाले लोग अगर करें तो बहुत सारे families को नया काम मिल सकता है नया उनको कुछ और लाइफ स्टाइल उनको देने के लिए उनको कुछ पैसा मिल सकता है क्योंकि मैंने जो ये जो व्यूअर्स को जिनको मैंने देखा वो व्यूअर्स बात करें कि हमें पहली बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे हमें एक्सपोजर मिल रहा है और हमें पता चल रहा है कि हमारी जो कला है वो कला को इतना डिमांड है
सो ये जो थॉट प्रोसेस है वो घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि दे आर सिटिंग इन इनर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, येवला जैसे प्लेस में वहाँ पे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो कला है, जैसे भाग्यश्री जी ने बताया कि ऐसा जो हैंडमेड जो चीज़ होती है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा डिमांड होता है, क्योंकि आई एम वर्किंग विद द 95 कंट्रीज और हमें पता है कि छोटे छोटे उनके जो हाथ से बनाई चीज़ जो होती है उसको कितना डिमांड होता है, और प्राइस जो हो हम लोग सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ पे इंडिया में यही होता है कि जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन इनके जैसे श्रद्धा जी जैसे लोग अगर आगे आए और वो ऐसे पैठनी जो स्पेशली महाराष्ट्र की एक शान है, और इस शान को अगर कोई आगे लेके उसको और ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न टच, जैसा मैंने आज वेयर किया है ये उन्हीं का कलेक्शन है, ऐसा कोई अगर थोड़ा सा मॉडर्न टच करके, और जैसे भाग्यश्री जी ने बताया कि वो भी पहन रहे ट्रेडिशनल वैसे उन्होंने भी डाला है, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच विल प्रमोट द पैठनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली वी विल पुट आवर एफर्ट्स विद ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो डू द पब्लिसिटी फॉर दिस इनिशिएटिव और ऑल द बेस्ट फॉर एवरी वन हुमेर इज वर्किंग विथ हर बिकॉज 25 फैमिलीज आर वर्किंग टुगेदर और उनको जो आज वो घर के लिए जीने के लिए जो सहारा श्रद्धा जी ने दिया है उसके लिए श्रद्धा जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलेक्शन, एवरी वन शुड विजिट दिस।